हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज का जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग अबाउट कनाडा। मैं कनाडा के पीआर के ऊपर आज बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग जो अपना जो यूथ होता है, राइट। लाइक नो, मेरा अभी एक्चुअली मेरे एक दोस्त का कॉल आया था मेरे पास कुछ देर पहले। उसका जो बेटा है, ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, राइट, 19 और 20 ईयर्स ओल्ड अभी। ही इज़ गुड एट स्टडी, राइट, लाइक, बट द प्रॉब्लम इज ही डजंट हैव गोल इन हिज लाइफ। ओके, बच्चा है, 18-20 साल उम्र है, क्या है। मैं भी जब 20 साल का था, मेरे भी लाइफ में ऐसा कुछ गोल नहीं था दोस्तों, राइट। दैट्स वाई मे बी माई फ्रेंड नोज मी वेरी वेल, दैट्स वाई मे बी ही जस्ट कॉल्ड मी, राइट। और वो जो बच्चा है वो मुझे बहुत मानता है, अंकल बोलता है। तो लाइक ना, तो मैंने उससे बात किया, वीडियो कॉल किया, बहुत देर तक बात किया मैंने, इसको कुछ चीज़ समझने की कोशिश किया। तो मुझे लगा ये जो है शायद, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया, तो दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ फॉर। ओके, अगर आपके बच्चे है और या अगर आप छोटे हो बहुत, अगर आप 20 साल 25 साल के एज के रेंज में हो, देन प्रॉब्ली ये वीडियो आप देख सकते हो। जस्ट स्पेंड मे बी 5-10 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, जो भी आप अपने इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, राइट। देखो क्या है कि, अगेन मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, लेकिन रियलिटी, अगेन जो मुझे लगता है, इंडिया में आजकल ऐसा बहुत है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चल रहा है, राइट। बहुत नेटवर्क मार्केटिंग, लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलता है, ओके, चेन मार्केटिंग बोलता है, चेन बिजनेस बोलता है, बहुत कुछ, बहुत सारी टर्म्स है, राइट। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं भी किया था दोस्तों, मुझे याद है, राइट, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा ऑलमोस्ट 19 ईयर्स आई वॉज दैट टाइम, 19 and 20, उस टाइम पे मैंने किया था। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आप लोगों को पता होगा, राइट, बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहा है। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे भी इतना लोग नहीं करते थे, या इसका जो टर्म्स है लोगों को इतना पता नहीं था, ये जो नॉर्म्स है, राइट, ये जो नोमेनक्लेचर जो है, इतना लोगों को पता नहीं होता था, राइट। तो मैंने कैसे शुरू किया था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा एक दोस्त ने मुझे एक दिन बोला कि सोमन आज शाम को क्या कर रहे थे। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग, मेरा जो दोस्तों का ग्रुप था, हम लोग शाम को इधर उधर घूमने जाते चाय पीने के लिए, और उस टाइम पे मेरे पास बाइक नहीं था, मोटरसाइकिल, राइट। आई ऑलवेज ड्रीम टू ऑफ लाइक नो हैविंग अ पल्सर और CBZ, उस टाइम पे CBZ बहुत आया था, करिश्मा आया था, हीरो होंडा करिश्मा एंड रॉयल इनफील्ड, उस टाइम पे मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था जो आज के दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर बाइक की बात करूँ, मैं बाइक को लेकर बहुत क्रेजी हूँ, ठीक है। बट एनीवे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि जब तुम कमाओगे तब बाइक लेना, खुद के पैसे से, डोंट एक्सपेक्ट कि आई विल बाई अ बाइक फॉर यू। मेरे पेरेंट्स का पूरा एकदम क्लियर कट था, लेकिन बाइक लेने का बहुत मन था, राइट। और स्टूडेंट लाइफ में मैं क्या करता था, स्टूडेंट लाइफ में मैं कुछ ट्यूशन करता था, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था, तो उसको उस टाइम पे मुझे मिलता था कितना, 250 रुपया 500 रुपया ऐसे कुछ मिलता था, दैट वॉज माई पॉकेट मनी, राइट। एंड आफ्टर अर्निंग 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ मैक्स, यू कैनॉट मेंटेन अ बाइक, यू कैनॉट बाई अ बाइक, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पेरेंट्स नहीं देंगे तो। और मेरा पेरेंट्स का बहुत स्ट्रिक्ट था, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। बस मेरे पास एक साइकिल था, एक हरक्यूलिस साइकिल था, ब्लू कलर का, दैट वॉज माई फेवरेट साइकिल, ओके, बहुत अच्छा साइकिल था। और एनीवे, तो बाइक का मैं बहुत शौकीन था, और मेरे दोस्त को ये चीज़ पता था कि मैं बाइक का बहुत शौकीन हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे पूछा कि तू क्या कर रहा है इवनिंग को, मैं बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, ऐसे ही बोल, तो कहाँ जाना है। तो बोला देख, एक बहुत अच्छे प्रोग्राम आया है जहाँ पे लोगों को बाइक लेने का मौका मिल रहा है, ठीक है। मुझे उसका टैगलाइन ऐसा था, ठीक है, बाइक लेने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, ऑब्वियसली दैट वाज माय वीक पॉइंट, बाइक कब से मैं चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला बाइक मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। बोला मिल रहा है यार, मुझे भी पता नहीं है, मैं भी देखने जा रहा हूँ यार। लेकिन बोला कि अगर पढ़ाई करने के साथ साथ अगर पार्ट टाइम में अगर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे तो 5-6 महीने के अंदर बाइक मिल जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये मुझे खा गया, मुझे बोला यार अच्छी बात है यार, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, अगर खुद ले पाऊंगा तो इससे अच्छी बात क्या है पाए, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाएंगे, राइट। अगर मैंने मैंने उस टाइम पे उस एज पे अगर मैंने कुछ बाइक ले लिया तो
तो ऐसे मेरा शुरुआत हुआ था, वो बंदा मुझे ले गया था, एक सेमिनार हो रहा था, बहुत बड़ा एक सेमिनार हो रहा था, उसमें 100-150 लोग ऐसे बैठा था तो सामने। और देखो वो मेरे करियर का एकदम स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, राइट, मतलब 19 साल का एज क्या है, लाइक उतना मैच्योरिटी भी नहीं था उस टाइम पे, जो देखता था उसी चीज़ को बिलीव करता था मैं। तो क्या हुआ कि वो मैं देखा कि हर कोई लाइक टाई पहन के एकदम ब्लेजर पहन के सामने सब खड़ा है, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, राइट, और देख के लग रहा है बहुत कुछ VIP कोई आदमी है। तो मे बी बहुत इम्प्रेस हो गया देख के, अरे यार क्या बात है, क्या बात है। तो वो दोस्त मुझे आके इंट्रोडक्शन करवाया, जो मेन जो बॉस था वहाँ पे, उनसे बोला कि दिस इज़ माय फ्रेंड। वो जो था बॉस था, ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन बाय द वे, वेरी नाइस पर्सन ही वाज। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात किया, बोला क्या करते हो तुम? मैं बोला यार पढ़ाई करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। बोला क्या बनना चाहते हो लाइफ में? मैं बोला यार अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या बनना चाहता हूँ, बट विल सी लाइक नो। अब एंड दैट वाज लाइक नो बहुत ही ऑनेस्ट कमेंट था, लाइक नो मेरा कभी आई नेवर डिसाइडेड लाइक नो व्हाट आई वांटेड टू बी दैट टाइम। कभी कभी लगता था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा, कभी कभी लगता था कि लाइक नो कुछ बिजनेस करूंगा, कभी कभी लगता था कि कुछ सेल्स का जॉब कर लेंगे, सेल्स में बहुत पैसा है, कभी कभी लगता था मार्केटिंग कर लेंगे। इंजीनियर तो कभी नहीं सोचा था क्योंकि पढ़ाई में ठीक है, लेकिन बट आई वॉज नॉट अ GM, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था मैं। और बहुत सारा किस्सा है मेरे कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था या जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, लेकिन दैट वॉज नॉट अ वेरी वेल नोन स्कूल, ऐसा नहीं था कि बहुत ही बढ़िया किसी एकदम 30 मार्क खान जैसे किसी स्कूल में मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं है, बहुत ही एवरेज, मे बी लोअर देन एवरेज स्कूल में मैंने पढ़ा है, उसके बाद लोअर देन एवरेज कॉलेज में भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ गोल नहीं था टू बी वेरी फ्रैंक। तो वो बोला कि दैट इज़ गुड, वो जो बॉस था वो अभी उन्होंने बोला दैट इज़ गुड, आई एम लुकिंग फॉर यू लाइक नो पीपल लाइक यू। तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया, बोला अरे यार कहाँ पर आ गया मैं, लेकिन मुझे इतना रिस्पेक्ट देके तो कभी की कोई बात नहीं करता है कॉलेज में, तो कोई टीचर या कोई प्रोफेसर इतना रिस्पेक्ट देके बात नहीं करता है, और यहाँ पे कोई ऐसे ब्लेजर एंड टाई पहन के इतना विथ रिस्पेक्ट बात कर रहा है। बोला कि चाय कॉफ़ी पियोगे बे? मैं बोला चाय कॉफ़ी पूछ रहा है, क्या बात है, कहाँ पे आ गए हमें? घर में बस मम्मी बोलती है कि बेटा चाय पिएगा, वही सुबह को बोलती है, लेकिन अदरवाइज लेकिन इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला कभी किसी से। तो मैं बहुत हैरान हो गया, लेकिन मैं तो आई वॉज इम्प्रेस्ड कि उस टाइम पे वो जो बोलेगा मैं वो करूँगा। तो मेरा जो दोस्त था उन्होंने उसको बोला कि मेरे दोस्त को ना बाइक लेने का बहुत मन है, ये बाइक देख के ये बहुत क्रेजी हो जाता है, लेकिन इसके पेरेंट्स ने इसको अभी तक बाइक नहीं दिया। तो वो जो बॉस आदमी था उन्होंने मुझे बोला क्यों देगा, तुम बड़े हो गए हो, एडल्ट हो गए हो, तुम खुद लोगे। अरे यार हड्डा कट्टा हो यार, काम करोगे मिल जाएगा यार, क्या है यार ऐसे क्या बात है यार, मेरे पास देखो क्या है, मेरे पास बाइक है, बाहर देखो बड़ा सा 4-व्हीलर खड़ा है, ठीक है। और उसके पास सही में था उस टाइम पे उन्होंने वो हुंडई एक्सेंट बोल के एक सीधान आता था, राइट, हुंडई एक्सेंट उन्होंने बोल लिया था, तो मैं दिखा था बाहर वो हुंडई एक्सेंट रेड कलर का बड़ा सा गाड़ी खड़ा है, तो दिख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसने बोला उनके पास बहुत सारे बाइक भी है, तो उन्होंने बोला कि यार 5-6 महीना काम करो, आराम से ले लेना यार, कैश में ले लेना। तो वो जितना बातें कर रहा था ना, मैं उतना मोटिवेट हो रहा था, मैं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो माइंड सेट है ना, मैं उसको हाँ हाँ कर दे रहा था। देखो अगेन आवर ब्रेन इज़ अ सुपर कंप्यूटर, ठीक है, आप कंप्यूटर में जो इनपुट करोगे वो ही आउटपुट आएगा, ठीक है। आप करोगे ये सी एस सी एस, वो आपको दिखेगा ये सी एस सी एस, आप करोगे नो नो नो, वो आपको दिखेगा नो नो नो, तो ऐसे होता है। तो वो जो माहौल में मैंने गया, उस माहौल में जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल रहा था, और मैं अपने ब्रेन को बोल रहा था कि यस दिस इज़ पॉसिबल। वहाँ पे जाने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा कि दिस इज़ पॉसिबल, लेकिन विद इन 6 मंथ्स आप एज ए स्टूडेंट यू विल बाई अ बाइक। देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं बाइक को लेके गया था कि मुझे एक बाइक चाहिए, उस चीज़ को सोच के मैं गया था। तो नहीं भाई, तो उनके बाद हम लोग बैठ गए ऑडियंस में, उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया, कुछ सेमिनार किया, बहुत बड़ा सा सेमिनार किया, 1-2 घंटे का प्रोग्राम था, उन्होंने बहुत कुछ वाइट बोर्ड में बहुत कुछ समझाया, कुछ कुछ चीज़ समझ में आया, कुछ कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, मोस्ट ऑफ द थिंग समझ में नहीं आया, लेकिन लास्ट में समझ में आया कि उन्होंने दिखाया कि 6 महीने में अगर आप काम करोगे, उस टाइम की बात है 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आप 6 महीने अगर काम करोगे और दिन में अगर आप 1-2 घंटे करके काम करोगे तो मंथली आप 10,000 रुपया कमा पाओगे बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स, एंड बाय द एंड ऑफ 1 ईयर आपका 1 लाख रुपया ऑलमोस्ट मंथली हो जाएगा।
और वो जो बोल रहा था उन्होंने बोला कि मैंने 2 साल काम किया और देखो मेरा अभी आज के दिन में मंथली इनकम मेरा ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपया है, ठीक है, मेरे पास ये गाड़ी है, ये बंगलो है, ये है, वो है, बहुत कुछ उन्होंने बोला। तो वो सब देख के तो लाइक नो इट वॉज काइंड ऑफ ड्रीम, मैं कुछ सपना देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउ इज दैट पॉसिबल। और उस टाइम पे 10,000 भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लाइक एज अ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू 2003 में, आज के दिन में 10,000 का शायद कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे 10,000 रुपया मंथली मतलब यू आर अ बॉस आदमी उस एज ग्रुप में। तो मैं सोच रहा था यार 6 महीना काम करूंगा और लेकिन बस 1-2 महीना मतलब 1-2 घंटा दिन में और 10,000 रुपया आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर 1 लाख रुपया। और ये जो भाई साहब जो बोल रहे हैं वो 2 साल में इतना कुछ कर लिया, क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने बोला इज इट पॉसिबल, तो देखा कि मैं तो चुपचाप बैठा था लेकिन देखा कि बहुत सारे लोग पीछे से बोला या पॉसिबल, उन्होंने फिर से बोला इज इट पॉसिबल, फिर से पीछे से कुछ लोग बोला या पॉसिबल। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को नहीं लग रहा है पॉसिबल, बोलिए इज इट पॉसिबल। तो मैं भी जोश में आ गया, मैं भी बोला या पॉसिबल, अपने आप को पूरा चार्ज कर लिया, पूरा मोटिवेट एकदम, मतलब उस टाइम पे मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट। तो पूरा एकदम मोटिवेट होके एकदम पूरा। तो उन्होंने बोला कि लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अभी ये वो धीरे धीरे आ रहा है। सो एनी वे, सो दैट वॉज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी, और मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था कि कुछ 7,000 रुपया ऐसे कुछ लगेगा टू गेट स्टार्ट। तो मैंने बोला यार 7,000 रुपया कहाँ से लाऊंगा यार, मेरी मम्मी तो नहीं देगी, मेरी मम्मी ये सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट थी, ठीक है। तो लेकिन एनी हाउ आई हैव अरेंज विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड, मेरे पेरेंट्स से भी कुछ पैसा लिया था। तो एंड आई स्टार्टेड दैट बिजनेस, ओके, एंड दैट टाइम आई डिडंट नो दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क मार्केटिंग। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत दोस्तों ऐसे हुआ था, राइट, पूरा एकदम क्या बोलूँ, मतलब इतना ग्लैमरस लाइफ या इतना ग्लैमरस थिंग अपने लाइफ में मैं पहली बार देखा था। देखो दोस्तों, मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, राइट, मतलब मेरे पापा कभी भी 4-व्हीलर ओन नहीं करते थे, राइट, आज अलग बात है, लेकिन मेरे पास दिस इज मे बी 6th or 7th 4-व्हीलर राइट नाउ आई एम ओनिंग। बट मेरे पापा के टाइम पे या मेरे मम्मी के टाइम पे अगर महीने में एक बार टैक्सी में राइड कर पाते तो महीने में क्या साल भर में भी अगर एक बार टैक्सी राइड कर लेते तो वो बहुत बड़ी बात होता है। सो फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जब मैंने देखा यार इतना ग्लैमरस लाइफ, इतना कुछ पॉसिबल है, देन लाइक नो आई वॉज टिपिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था मैं। और उस टाइम पे लगता था कि जो वो भाई साहब बोल रहे हैं वही सही है, दुनिया का सब कुछ गलत है। मेरे साथ हुआ है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता था, मेरे मम्मी जो बोलती थी मुझे लगता था यार बेकार बोल रही है, मेरे पापा बोलता था बेकार बोल रहा है, लेकिन वो जो भाई साहब जो बोलता था मुझे बस वो ही सही लगता था, ठीक है। और ऐसे मेरा ब्रेन वॉश हुआ था दोस्तों, टिपिकली आई एम सेइंग लाइक नो इट वॉज काइंड ऑफ अ ब्रेन वॉश, ठीक है। तो हम लोग जाते थे ब्रेन, अपने आप को ब्रेन वॉश करने के लिए हम लोग जाते थे, हर हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग होता था, राइट, सो कॉल्ड ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में भी वैसे ही लाइक नो कहाँ से बंदा लेके आता था, वो दिखाता था कि देखो इन्होंने 6 लाख कमाया, इन्होंने 5 लाख कमाया, इन्होंने 10 लाख कमाया, इनके पास ये है, उनके पास वो है, उनके पास वो है। तो लाइक नो, और क्या होता है ना, आपको ये सब चीज़ें जितना पॉजिटिव दिखाया जाएगा ना, देखो आप जिनको जानते हो, राइट, अगर उनके बारे में आपको अगर कोई बोलेगा तो आप उतना ध्यान से नहीं देखोगे, लेकिन आप जिनको नहीं जानते हो, जिंदगी में कभी नहीं देखा, शायद कोई एक बंदा बिहार में रहता है वो कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उसको भी ब्लेजर पहन के टाई पहना के, लेकिन वो आके अगर उसको बोल दिया कि बॉस देखो ही इज़ द पर्सन हु इज़ अर्निंग 10 लाख पर मंथ, आपको लगेगा क्या बात है यार, ऐसे आदमी अगर 10 लाख कमा सकता है मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल, राइट, डोंट टेक मी रॉन्ग। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो ऐसे वो नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद अब मुझे पता चला कि जब धीरे धीरे मैं जानने लगा कि ऐसे जैसे मेरा दोस्त मुझे पकड़ के ले गया था, मुझे भी ऐसा किसी को पकड़ के लेके आना है। सीधी बात है, बॉस पकड़ने का बिजनेस है, मुझे ऐसे पकड़ के लेके आना है, ठीक है। उसके बाद वो लोग बहुत अच्छा अच्छा मोटिवेशनल कोर्स बोलते थे, राइट, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें। एक चीज़ मैं बोलूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग से शायद मैंने इनकम नहीं किया, ऑनेस्ट ओपिनियन, मैंने कभी इनकम नहीं किया ज़्यादा, लेकिन क्या है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रिगार्डिंग लाइफ। आप इतने लोगों से बात करोगे, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, सब कुछ नेगेटिव नहीं है, राइट। मैं पहले भी बोला कि हर किसी चीज़ का एक प्रोज होता है, कॉन्स होता है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे, जो मैं इसके पहले नहीं करता था। तो हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया गया, लेकिन जितने लोगों को आप पकड़ के लाओगे उतना आपका बेनिफिट है, उतना आपको कमीशन मिलेगा। पहले आप 2 को पकड़ोगे, उसके बाद वो 2 जो है वो 4 को पकड़ेगा, वो 4 जो है वो 8 को पकड़ेगा, वो 8 जो है 16 को पकड़ेगा, ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा, और एक दिन आपका जो मैन पावर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो ऐसे भी ट्रेनिंग होता था कि अंबानी के पास क्यों इतना पैसा है, ठीक है, हम लोगों को बुलाया जाता था कि अंबानी के पास इतना पैसा क्यों है, अंबानी दिन में कितना घंटा काम करता है, आप बोलो, आप सोचो, अंबानी दिन में कितना घंटा काम करता है, 10 घंटा काम करता है, 12 घंटा काम करता है, लेकिन फिर भी उनका इनकम इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू योर रेट, व्हाट इज हाउ मच मनी यू आर अर्निंग पर आवर्स एंड हाउ मेनी आवर्स यू आर स्पेंडिंग पर डे, राइट, दैट इज इक्वल टू योर इनकम. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है एंड दैट इज ट्रू. बोल रहे हैं कि जो बंदा MBA पढ़ा है शायद उसका पर आवर रेट है, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, 100 रुपीस. जो सिंपल ग्रेजुएट है शायद उसका 70 रुपीस. जो ग्रेजुएट भी नहीं है शायद उनका 50 रुपीस. तो ऐसे रेट होता है, राइट. तो आप जितना आप आवर्स काम करोगे दिन में मल्टीप्लाइड बाई 30 डेज और 22 डेज मंथली, दैट इज योर मंथली इनकम. तो हम लोग सोचते यार सही बात है यार, 10,000 अगर कोई कमा रहा है तो उसका ऐसे ही हिसाब से है, लेकिन अंबानी ऐसे कमाता है, इतना कमाता कैसे है, क्योंकि अंबानी भी तो 10 घंटा ही काम करता है और अंबानी जो है उनका भी रेट मान लो 100 रुपीज़ पर आवर, आई एम जस्ट टेलिंग यू. लेकिन बोला कि अंबानी के अंदर कितने लोग काम करता है, अंबानी के अंदर उनका जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है दैट इज 1 लाख पीपल. तो अगर 1 लाख लोग 10 घंटा करके काम कर रहे हैं, किसके होके काम कर रहा है, अंबानी के होके काम कर रहे हैं. तो अंबानी का कितना घंटा जनरेट होता है पर डे, अंबानी का 1 लाख लोग इंटू 10 आवर, दैट मीन 10 लाख घंटा इंटू मान लो 50 रुपीज और 100 रुपीज, दैट इज अंबानीज इनकम एंड दैट मेक्स सेंस, राइट. बहुत ही लॉजिकल समझाता था. तो बोला देखो आप अंबानी बन सकते हो क्या, आपके पास इतना कैपिटल है क्या, आप बड़ा बिजनेस करोगे, 1 लाख लोग आपके अंदर काम करेगा. हम लोग बोलते नहीं. तो देन दिस इज द बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इज द एंसर फॉर यू. ओके, आप 2 लोगों को पकड़ के ले आओ, क्वालिटी लोगों को पकड़ के ले आओ, जो भी क्वालिटी नहीं बोलता था, 2 लोगों को पकड़ के ले आओ, ठीक है, क्वालिटी भी मत देखना, ठीक है, हर कोई किसी को भी लेके आओ, लाइक जिसके अंदर आग हो, जिसके अंदर कुछ करने का वो हो, राइट, अगेन मोटिवेशनल थॉट्स, राइट. तो वो 2 को ले आएगा, वो 4 8 को ले आएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा. तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपके नीचे जितना भी डाउनलाइन हो जाएगा, इसको डाउनलाइन बोलता है या डाउनस्ट्रीम बोलता है, तो जितना लोग हो जाएगा वो लोग अपने आप काम करेगा और आप ऊपर बैठ के बस मजा करोगे. आप देखोगे मेरे अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं, मेरा मंथली इनकम आ रहा है. तो उस टाइम पे तो ऐसा ही था कि वो जो बोलता था हम लोग उसी को खा लेते थे, ठीक है, और लेकिन उनके अंदर 10,000 लोग है या 50,000 लोग है, 25,000 लोग है, मतलब 1,000 के नीचे तो कोई नहीं था, मतलब बात ही नहीं था. और जब भी दिखाता था तब भी दिखाता था, देखो 1 लाख रुपये का चेक आ रहा है, 1 लाख रुपये का चेक आ रहा है, 1 लाख रुपये का चेक आ रहा है. और हम लोग ना ऐसे सोचते थे कि ठीक है अभी नहीं हो रहा है लेकिन 1 साल के बाद होगा, 1 साल तक काम करो, 2 साल तक काम करो. और वो ऐसे भी बोलता था कि पढ़ाई करके क्या होगा यार, क्या करोगे इतना पढ़ाई करके, पढ़ाई करोगे 10,000 का नौकरी करोगे, तनख्वाह मिलेगा 10,000 रुपया, 15,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा, सुबह को 10 बजे से रात को 8 बजे तक काम करोगे, बॉस बॉस करके बुलाओगे किसी और को. व्हाट इज योर लाइफ, व्हाट यू विल अचीव, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स भी लाइक यू नो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज तक एक फोर व्हीलर ले पाया क्या, आज तक एक लग्जरियस लाइफ ले पाया क्या, आज तक आपको 5 स्टार में लेके खाना खिला पाया क्या, खिला पाया. हम लोग बोलते थे नहीं नहीं खिला पाया. देन आप भी उसी रास्ते में जा रहे हो, आपको नौकरी करना है तो आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो. तो ऐसे हम लोगों को ना ब्रेन वॉश होता था दोस्तों. मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था. तो मैंने एक टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि पढ़ाई टाटा बाई बाई, पढ़ाई तो नहीं करना है, पढ़ाई करके मुझे किसी और का नौकर नहीं बनना है. मतलब वो ये भी बोलता था कि जो जॉब करता है, जो नौकरी करता है ना, वो किसी और का नौकर है. तो मुझे लगता था नहीं, मुझे किसी और का नौकर नहीं बनना है, मैं अपने आप का बॉस बनूंगा. एनीवे दोस्तों, अगर बोल रही हूँ तो ऐसा बहुत सारा किस्सा है. तो ऐसे मेरा वो नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट हुआ था. लेकिन मेरे पेरेंट्स का एक ही बात था कि तुम चाहे जो भी करो, ठीक है, तुम चाहे जो भी करो, पढ़ाई तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा. पढ़ाई अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो हालत का. और मैं अपने मम्मी से बहुत डरता था. मेरी मम्मी ना मुझे बहुत पीटती थी उस टाइम में, भी पीटती थी मुझे, तो मैं बहुत डरता था. तो मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया, साथ में नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बहुत किया दोस्तों. कभी और किसी वीडियो में मैं शेयर करूँगा मैंने क्या क्या किया. तो 4 साल 5 साल मेरे लाइफ का जो क्रीम टाइम है ना, मैं बोलता हूँ क्रीम टाइम दोस्तों, अगर उस टाइम पे मैंने और अच्छे से पढ़ाई करता तो शायद मेरा लाइफ और अच्छा होता. या अभी तो मतलब किस्मत है मेरा, लेकिन मैं ऐसा लाइफ लीड कर रहा हूँ. लेकिन मैंने जो 4-5 साल मैंने अपना करियर का जो मैंने खड़प किया या बर्बाद किया, आई डोंट डिजर्व दिस लाइफ फ्रेंड, आई एम वेरी फ्रैंक विथ यू, ठीक है. जो कॉलेज टाइम होता है ना आफ्टर योर 10 प्लस 2, दैट इज़ द क्रीम टाइम ऑफ योर लाइफ. उस टाइम पे आप जो करोगे, राइट, वो आपके करियर के लिए अच्छा होगा, राइट, ठीक है. और मैंने उसी टाइम को मैंने बर्बाद किया था, मेरे खुद के लाइफ से मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद बर्बाद किया था. 4 साल 5 साल मैंने बहुत कोशिश किया नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है कि किसी का नहीं होता है. हाँ होता है, क्यों नहीं होगा, 50 लाख लोगों में से एक लोगों का होता है.
50 लाख लोगों में एक लोग होता है जो अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कमा पाते। मैंने बहुत करीब से देखा दोस्तों, शायद आप लोगों को ये बात बुरा लगेगा या बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करने वाला है, आई डोंट केयर, आई एम लिविंग माई लाइफ, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरा भाषण आपको अच्छा लगे ना लगे आई डोंट केयर, लेकिन मैं आपको आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे ट्रैप में आ गए हो ना, ठीक है आप करो, मैं मना नहीं कर रहा, आप करो कोई बात नहीं, जिंदगी में सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए, लेकिन जो आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जो आपका प्राइमरी जो आपको करना चाहिए, जैसे मतलब आप स्टडी कर रहे हो, राइट, दैट इज योर प्राइमरी थिंग एट दिस एज, इफ यू आर 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, और लेट्स से इफ यू आर 25 एंड इवन 30, आप अगर नौकरी कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, आप उस काम को इग्नोर मत करो, उस काम को पूरा टाइम दो, करने के बाद अगर आपको करने का मन हो आप करो, मैं मना नहीं करूँगा, बिकॉज यू डोंट नो, दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स, ये एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा नहीं कमा पाओगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा, इतने लोगों के साथ बात करना, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को पकड़ के ले आना, ये भी बहुत बड़ा स्किल है, ठीक है, एंड दिस स्किल इज गुड, राइट, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। एक टाइम था मैं स्टेज पे, ओपन स्टेज में मैं 2-2.5 घंटा बोलता था दोस्तों, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, राइट, उस टाइम पे मेरा 20-21 साल एज था, और मैं अपने आप को एजेड दिखाने के लिए ना मैं चश्मा पहनता था, थोड़ा सा मूछ वो मुस्टेज में थोड़ा सा रखता था ताकि थोड़ा सा एजेड लगूँ, नहीं तो 20-21 साल के लड़के को कौन लेगा यार, कौन इसके बात सुनेगा। मैंने वो सब भी किया, बहुत कुछ किया मैंने, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में साइन करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, शायद मेरे किस्मत में नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि मैं भी उन 50 लाख लोगों में से हूँ जिनका किस्मत में नहीं था। ट्रस्ट मी, मैंने अपने ऐसे बहुत सारे दोस्तों को देखा, लेकिन दे आर डूइंग नथिंग इन देयर लाइफ नाउ, दे आर ऑल अराउंड 40, 41, 42, 43 एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। मैं जब देखता हूँ ना, मुझे बहुत खराब लगता है दोस्तों। मैं गाड़ी में चल घूम रहा हूँ, मैं मतलब लेकिन अगेन भगवान का जो भी आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, उन लोगों का आशीर्वाद के लिए, लेकिन आई डोंट डिजर्व दिस लाइफ, आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी इंसान नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत ही लोअर देन एवरेज इंसान हूँ मैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम गुड वर्क माई पेरेंट्स हैज डन प्रॉब्ली, शायद उनके लिए आशीर्वाद से मैं निकल आया, और जो मैं अब आज के दिन में जो मैं लाइफ लीड करता हूँ, दैट वॉज माई ड्रीम लाइफ when I was 18 or 19 years age, I'm telling you, right? देश विदेश घूमना, लेकिन फॉरेन घूमना, गाड़ी में घूमना, लेकिन एक अच्छा लाइफ लीड करना, जो चाहे खाना, जो चाहे खरीदना, एवरीथिंग, लेकिन दैट वॉज काइंड ऑफ थिंग आई वॉन्टेड दैट टाइम, राइट, जिसके लिए मैंने नेटवर्क गया था मैं, लेकिन नेटवर्क से मैं अचीव नहीं कर पाया, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं कर पाया। और मैं जब अपने उन दोस्तों को जब मैं देखता हूँ कि जो लोग भी मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग से लाइफ बिल्ड करेगा, कुछ करेगा, करके दिखाएगा, वो लोग भी बहुत काम किया, 5 साल दे दिया, 10 साल दे दिया, कोई कोई तो अभी भी कर रहा है, ठीक है, आई नो फ्यू पीपल, क्योंकि अभी उन लोगों के लिए और कुछ करने का है नहीं है, 10-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, अभी भी कर रहा है किसी उम्मीद में कि किसी एक दिन कुछ उजाला हो जाए, आई होप के हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगा देन आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? तो यही बात है दोस्तों कि आप सोचो, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो, इन केस उन 50 लाख लोग या 10 लाख लोग, व्हाट अबाउट द नंबर, राइट, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, अगर आप नहीं कर पाते हो जो आप सोच रहे हो आप करोगे नेटवर्क मार्केटिंग से, उसके बाद क्या, उस चीज़ को आप सोच के चलना, क्योंकि एट द एज ऑफ 25 आई गेस 25 और 26 आई आस्क दैट क्वेश्चन टू माई सेल्फ, लकीली के 5-6 साल मैंने दे दिया नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत मैंने कोशिश किया, जो जो बोला सब कुछ किया, उससे भी ज़्यादा किया, राइट, अपने आप को बहुत पॉजिटिव किया, मोटिवेट किया, सब कुछ किया, लेकिन उस टाइम तक भी लाइक नो नहीं दिख रहा था कि कब होगा, उसके ऊपर भी लोग मोटिवेट करते थे, लाइक जो बॉस आदमी था, राइट, जो सीनियर आदमी था, वो लोग मोटिवेट करते थे कि अभी नहीं हो रहा, एक दिन हो जाएगा, अचानक से एक दिन हो जाएगा, तो उस एक दिन के लिए वेट कर रहा था। उसके बाद मैंने सोचा यार लाइक ना बहुत हो गया, हाँ, एक दिन, अगर ऐसे एक दिन करके निकल जाएगा तो आई डोंट नो क्या करूँगा मैं। तो लकीली दैट टाइम आई डिसाइडेड लाइक ना टू मूव बैक, स्टडी वेल, फिर से अच्छे से पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करके एटलीस्ट वॉट एवर द प्रूवन वे, राइट, देखो अच्छा पढ़ाई करोगे आप, अच्छा स्टडी करोगे आप लाइफ में साइन करोगे दोस्तों, ठीक है, दैट्स अ प्रूवन वे, दुनिया में हर जगह पे लोग ऐसे ही करते हैं, राइट, जो लोग पढ़ा लिखा होता है वो लोग को मतलब वो लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं होता, राइट, थ्री इडियट्स भी देख लो आप, थ्री इडियट्स अगर आप मूवी देखते हो तो थ्री इडियट्स देखो, राइट, उसमें एक बहुत अच्छी बात है
कि आप काबिल बनो, राइट। अगर आप काबिल बनते हो तो आपके पीछे सब कुछ आ जाएगा। तो काबिल बनने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। या व्हाटएवर द थिंग इज, राइट। तो आप अपने टाइम में जो आप करना चाहते हो उस चीज़ को अगर अचीव करना है तो उसको आप सोचो, ठीक है। किसी और के कहने से या किसी और के मोटिवेट करने से ब्लाइंडली कोई चीज़ फॉलो मत करना। ब्लाइंडली कोई चीज़ फॉलो करने से चीज़ें अचीव होता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, राइट। जैसे KFC का जो मालिक है, राइट, 60 एट द एज ऑफ 65 ही गॉट सक्सेस, राइट। बट लेकिन बचपन से उन्होंने सब कुछ में फेल किया, राइट, लाइक में सब कुछ में फेल किया, लाइक, बट एट द एज ऑफ 65 ही बिकेम लाइक नो व्हाट ही वाज दैट टाइम, लाइक नो अभी तो नहीं है, बट KFC ब्रांड रह गया। But I don't know. Do you also would like to think yourself like that? Like, no, एक दिन अचानक से आप भी कुछ बन जाओ, right? तो that's a gambling, right? वो इसको gambling बोलता है। Gambling में कभी कभी pass होते हैं and most of the time fail होता है। अपने life को लेकर आप gambling मत करो। बस मेरा यही, like, no, यही मेरा advice है। So again, this video थोड़ा सा बड़ा हो गया, I know. Lots of experiences are there to share. Maybe कोई एक और video में बढ़ाऊँगा जिसमें इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा कि मैंने क्या क्या किया था। शायद आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग भी शायद वही काम कर रहे हो। और मेरे जो दोस्त ने अभी कॉल किया था, मैंने उसके बेटे को भी मैं सेम बात ही बोला, ठीक है। आई डोंट नो वो कितना समझ पाया या कितना ले पाया, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है, जब ब्रेन के अंदर कोई एक चीज़ पॉजिटिव अगर घुस जाता है ना कि ये होगा ही, तब अगर भगवान भी अगर सामने आके बोले कि बेटा तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत देख रहे हो, तो ब्रेन नहीं सुनता है, क्योंकि वही इनपुट आउटपुट है, राइट। आपके दिमाग में कोई इंजेक्ट कर दिया होगा 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 100 times, एंड नाउ योर पेरेंट्स इज टेलिंग यू लाइक नो तुम गलत कर रहे हो। मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको एक बार दो बार तीन बार बोलेगा, राइट। सो 100 versus 3 वो नहीं होता है, राइट। तो ऐसा ही है, जो ब्रेन वॉश हो जाता है तो मुश्किल होता है, बट स्टिल थिंक फ्रॉम हियर, ओके। सो एनीवे दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगेगा तो थम्स अप कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। और ऐसे और भी बहुत सारा वीडियोस में लेके आऊँगा। और अगेन लाइक नो स्टडी वेल, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आप अच्छे से करो, ऑनेस्टी से करो, एंड मतलब ऐसा नहीं कि 50 लाख लोगों में से एक मत बनो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। एनीवे सो थैंक यू एंड देखते रहिए मेरे चैनल।